ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जो एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सरसरी तौर से देखने पर इन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिसे किसी बड़े एक्शन का नाम दिया जा सके, लेकिन जब आप इन तस्वीरों की एक एक फ्रेम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजधानी में कैसे कैसे लुटेरे और ठग एक्टिव हैं, जो लोगों को मुसीबत में डालकर पलक झपकते ही माल गायब कर देते हैं। तस्वीरें एक स्टेशनरी शॉप की हैं, जिसके काउंटर पर एक महिला मौजूद है। इतने में एक शख्स एक बैग लिए दुकान के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर आते ही वो तेजी से अपनी गर्दन खुजलाने लगता है, और वो जिस बेसब्री से खुजला रहा है उसे देखकर लगता है कि शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। ये खुजली इतनी भयानक है कि वो शख्स दुकान के अंदर आकर सीधे वहां मौजूद सोफे पर अपना बैग रख देता है और शर्ट उतार कर खुजली से निजात पाने की कोशिश करने लगता है। जाहिर है इस वक्त उसका सारा ध्यान खुजली पर ही है और उसे किसी बात का होश नहीं। वैसे ही आदमी जिस तरह से इस दुकान के अंदर घुसता है और बैग रखकर शर्ट उतार देता है और दुकान में मौजूद महिला कोई खास रिएक्शन नहीं देती, उसे देखकर लगता है कि आदमी इस दुकानदार महिला का जानकार है। खैर, चंद सेकंड गुजरते ही एक एक कर दो लोग दुकान के अंदर दाखिल होते हुए दिखते हैं। अब तक खुजली से परेशान शख्स कुछ देर के लिए कैमरे के फ्रेम से बाहर चला जाता है, शायद वो दुकान के और अंदर मौजूद दूसरे कमरे या वॉशरूम में गया है। अब दुकान के अंदर आए दो लोगों में एक काउंटर पर महिला से किसी सामान के बारे में पूछताछ करने लगता है, रैक पर रखा सामान उठाकर उसे देखने लगता है। तब तक दूसरा लड़का सीधे दुकान के बिल्कुल अंदर चला जाता है, महज एक पल के लिए रैक पर रखे सामान को देखने का ड्रामा करता है और फिर मुड़कर सोफे पर रखा वही बैग उठाकर तेजी से दुकान से बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, तब तक एक और शख्स हाथ में पानी की एक बोतल लिए दुकान में दाखिल होता है और फिर अगले ही पल काम हो जाने पर तीनों के तीनों लोग दुकान से निकल जाते हैं। अब दुकान के अंदरूनी कमरे या फिर बाथरूम में गया वो शख्स बाहर आता है और सोफे पर रखे बैग को गायब देखकर चकरा जाता है। इसके बाद वो फौरन ही दुकानदार महिला से इस बारे में पूछताछ करता है और इसी के साथ दोनों को अपने साथ हुए ठगी के इस शातिराना खेल का पता चल जाता है और दोनों दुकान से बाहर निकल कर उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बैग लेकर गायब हो गए। जाहिर है बैग की इस चोरी से उस शख्स को हुए खुजली का एक गजब कनेक्शन है, और आइए इस कनेक्शन को समझने के लिए ऐसी ही खुजली की एक और तस्वीर देखते हैं। यह तस्वीर बिल्कुल अलग है और आउटडोर की है, यानी खुली जगह की, और इस सीक्वेंस को देखते ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक शख्स हाथ में बैग लिए बाजार के बीच से चला जा रहा है, जबकि उसके पीछे पीछे एक दूसरा आदमी उसकी गर्दन पर कुछ फेंकने या डालने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। बस अगले ही फ्रेम में आपको उस आदमी की इस करतूत का रिजल्ट दिखने वाला है। अब हाथ में बैग लिए गुजर रहा वो शख्स भी गर्दन में होने वाली भयानक खुजली की चपेट में आ जाता है। ये खुजली इतनी खतरनाक है कि वो बीच बाजार में ही कपड़े उतार कर खुजलाने को मजबूर हो जाता है। अब जब कपड़े उतारने हैं, खुजलाना है, तो बैग भी नीचे रखना पड़ता है। वो अपनी कार के पास बैग रखकर खुजली करने लगता है। उधर सड़क पर अलग अलग कपड़ों में लुटेरे उसका ध्यान भटकने के फिराक में लगे रहते हैं, और जैसे ही वो मौका आता है तो देखिए कैसे ये लुटेरे घात लगाकर पलक झपकते बीच बाजार में उसका बैग उड़ा लेते हैं। दरअसल इन दोनों ही वाक्यों में गर्दन की खुजली एक कॉमन फैक्टर है, और इन दोनों तस्वीरों को देखकर ये साफ है कि ये खुजली असल में दिल्ली के बदनाम खुजली गैंग की करतूत है, जिसमें पहले इस गैंग के बदमाश इंसान का ध्यान भटकाने के लिए उसके शरीर में कोई खुजली पाउडर डाल देते हैं, और जब आदमी खुजली से बेचैन हो जाता है तो उसका माल मत्ता चुरा कर फरार हो जाते हैं। इस बीच बाकी के बदमाश अपने शिकार का ध्यान भटकाने में और रेकी करने में लगे रहते हैं। फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नॉर्थ दिल्ली की पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग के दो बदमाशों को धर दबोचा है, जिनका कनेक्शन बंगाल से है। दिल्ली पुलिस को इस गैंग के बाकी बदमाशों की तलाश है।